महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आयोजित वार्षिक खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता दमखम दिखाते नजर आई महिलाएं। पूरे सफीदो ब्लॉक से आंगनवाड़ी वर्करों के साथ लगभग 400 की संख्या में पहुंची महिलाएं। प्रतियोगिता में CDPO सुमित्रा लाठर ने अध्यक्षता की और बतौर मुख्य अतिथि सफीदों से SDM मनदीप कुमार पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत हुआ। वर रिबन काट कर मटका रेस का आनंद लिया। आलू रेस, मटका रेस, साइकिल रेस, 100 मीटर रेस, 300 मीटर व 400 मीटर रेस, इस तरह से खेल कूद प्रतियोगिता में अलग अलग तरह से मुकाबले कराए गए। वह अलग अलग गांव से आई महिलाओं में मीना पाजू कला ने प्रथम स्थान, अनीता सहनपुर में द्वितीय स्थान, सरिता खातला ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। साइकिल रेस में पूजा कारखाना ने प्रथम, अंजू रथा केड़ा द्वितीय व ऋतु होशियार पुराने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं पर मटका रेस ने बसीनी से आई महिला प्रेमो देवी ने लगातार 10वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि लगातार 10 साल से चली आ रही प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आती है और अब तक का नया रिकॉर्ड कायम किया है। क्या नाम है जी? प्रेमो देवी। प्रेमो देवी कहाँ से बिलोंग करते हैं, रहने वाले कहाँ के? फर्स्ट आए आप? फर्स्ट आए। क्या इवेंट थी आपकी? तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, फर्स्ट आए हैं आज आप गांव से बिलोंग करते हैं? बहुत खुश है जी, हम और भी आगे से प्रचार करेंगे, हमारी और भी आगे हैं। तो पहली बार किसी इवेंट में हिस्सा लिया आपने, इससे पहले भी पहुंचे थे? इससे पहले भी 10 साल हो गए जी। लगातार 10 साल से आ रहे हैं? तो 10 साल में लगातार फर्स्ट आ रहे हैं? हां जी। क्या मतलब खाते पीते क्या है कि लगातार 10 साल? क्या कुछ महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जैसे और भी महिलाएं पहुंची हैं? बहुत सी क्या नाम है जी? कमलजीत राठौर। कहाँ से? गाँव बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से तो आज फर्स्ट आया मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं 100 मीटर की रेस करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है जी। मैं हर साल 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करती हूँ जी, और हर साल गोल्ड मेडल लगने जी। क्या करते हैं? 2100 रुपए कैश प्राइज भी मिलता है जी। मैम क्या करते हैं आप? मैं DAV स्कूल में जॉब करती हूँ। जॉब करते हैं तो मैम क्या महिलाओं को क्या कुछ बताना चाहेंगे, लगातार प्रतियोगिताएं होती रहती हैं? यहाँ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पार्टिसिपेट करना चाहिए जी। इससे जागरूक होती है महिलाएं, जितनी भी गांव से लेडीज आती हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए हर रेस में। क्या मानते हैं कि गांव से जो महिलाएं आती हैं उनको मौके कम मिल पाते हैं? नहीं, मौके तो बहुत मिलते हैं लेकिन वो से ही नहीं आती है जो गांव में आंगनबाड़ी वर्कर। मैम व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे अगर बात की जाए? बहुत अच्छी है जी। सब रूल एडजस्टमेंट की अगर बात की जाए, रूल अच्छी थी, रूल रेगुलेशन भी होते हैं गेम्स में, हम सब फॉलो किए जा रहे थे। ऑफिशियल भी आए हुए थे, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर भी रहे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस गेम का समाधान किया। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर पूनम खातला ने द्वितीय व पिंकी मलार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं पर 100 मीटर दौड़ में कमलजीत बहादुरगढ़ ने प्रथम, पूनम रामनगर ने द्वितीय व सुनीता सहारनपुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सर मैं मटका रेस में और आलू रेस में थी। तो क्या कुछ आप पोजीशन आई है? हां जी, फोर्थ आई है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, मतलब औरतें चूल्हा चौका छोड़ के जी, भाई उनका काम सिर्फ चूल्हा चौका नहीं है, उसके अलावा भी ये काम है जो एजिटेशन है औरतों के अंदर, वो हम उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ, हम औरतों को मोटिवेट करते हैं, आगे लेके आना चाहते हैं कि भी अपनी एजिटेशन को तोड़ो और आपका मतलब एक और अलग भी अपनी पहचान है, अपने घर के काम के साथ साथ अपनी अलग पहचान भी रखो। मैम क्या मानते हैं कि लगातार इस तरह के अवसर अगर मिलते रहे तो क्या कुछ चेंजिंग आने वाली है महिलाओं की? बहुत पहले से आज भी बेटर है और आगे भी बहुत बेटर, लड़कियाँ किसी फील्ड में लड़कों से कम नहीं। कितने समय से आंगनबाड़ी में मेंबर हैं? सर मैं 9 ईयर्स हो गए मेरे को। क्या नाम है जी? सुमित्रा जी। तो पोजीशन आई आज यहाँ पे? मेरी तीसरे नंबर पर आई है जी। क्या कौन सा खेल में थे आप यहाँ पे? 100 मीटर वाली रेस में। 100 मीटर वाली रेस। तो क्या कुछ मिला है यहाँ से प्राइज की अगर बात की जाए? नाम मिला है जी। पहली बार ही पहुँचे आप यहाँ? 4 साल हो गए मैं तो। 4 साल से आ रहे हैं? हाँ। तो पहले और अब की पोजीशन में क्या कुछ फर्क है, बड़ी है या घटी है? हाँ जी, इतनी है जी। पहले जैसे प्रेजेंट करते थे खेलों में आते थे, तो इन खेलों में क्या पोजीशन आती थी पहले? अच्छा, पोजीशन जी जी, फर्स्ट भी आई, सेकंड भी जी, तीसरे नंबर पर भी। यहीं पर 400 मीटर की दौड़ और कराई गई, जिसमें अंजलि डिड़वाड़ा ने प्रथम, सोनिया पाजुकला ने द्वितीय,
संजना सहनमपुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस तरह से अलग अलग खेलों में महिलाओं ने अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाया। क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप जीते हैं, यहाँ पे खेल हुए थे। आज हम बहुत खुश हैं, यहाँ पे फर्स्ट आए हैं। लगभग कितने लोग थे यहाँ पे? आप कॉम्पिटिशन काफी था इसमें, 400 मीटर में। तो अभी क्या आगे के लिए प्लान है? अभी आगे आप डिस्ट्रिक्ट। वहीं पर पहुंचे SDM मनदीप कुमार ने सभी विजेताओं को बधाई दी। वह महिला के लिए खेल के अवसरों का महत्व बताते हुए कहा कि अगर विभाग का बहुत अच्छा फैसला है, इसमें महिलाओं ने विभाग का धन्यवाद किया। वे कहा कि पहले के मुकाबले अब काफी महिलाएं गांव से स्पेशल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, वह अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए आती हैं। देखिए, ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से जो सालाना गेम्स हैं, वो ग्लोब लेवल गेम आज सभी दो में आयोजित किए गए जी। और इसमें टोटल 6 इवेंट्स थी जिसमें जो गेम्स आयोजित किए गए हैं, तो हमारे प्रशासन के द्वारा अच्छी मेहनत की गई थी और जितने भी पूरा डिपार्टमेंट है इसको एक सफल कार्यक्रम बनाने के लिए कठिन जो परिश्रम है वो कर रहा था। तो और ऐसा दिखने को मिला भी, इतनी संख्या में यहाँ ICDS डिपार्टमेंट के या दूसरे ग्रामीण रेलवे के जो लोग हैं उन्होंने भाग लिया और अच्छे गेम करवाए। मैं लास्ट जो इवेंट है मटकरे से वो देखने को मिली और बहुत अच्छा जो महिला थी वो दौड़ी है जी। और पूरा इसमें जो दूसरे डिपार्टमेंट का भी सहयोग रहा, जैसे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं या हेल्थ का है, उनका भी सहयोग मिला है और एक अच्छे गेम ICDS डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित किए गए। CDPO सुमित्रा लाठा ने कहा कि विभाग का यह बहुत अच्छा फैसला है और हर साल की तरह ही आज भी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इसमें पहले की बजाय महिलाएं ज्यादा संख्या में पहुंची हैं। यह भी बात की बड़ी पहल का बड़ा नतीजा है। इसमें ग्रामीण अंचल से AI महिलाएं को अवसर दिया जाए, वह अलग अलग खेल के हिसाब से स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को नगद राशि के रूप में भी सरकार प्रोत्साहन देती है। वह जिला स्तर में खेलती नजर आएंगी सफीदों की महिलाएं और यह खेल कूद प्रतियोगिता करवाने का एक बड़ा फैसला है। इससे महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्म सम्मान को बढ़ावा मिलता है, तो साथ ही महिलाओं को अवसर मिलते हैं क्योंकि गांव की महिलाएं बहुत कम खेलों में पहुंच पाती हैं। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए विभाग समय समय पर प्रतियोगिता करवाता रहता है। 400 के ऊपर प्रतिभागियों ने भाग लिया है, सारे ग्रामीण अंचल में महिलाएं आती हैं जी। ये 2007 से चल रहा है ब्लॉक लेवल का, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जोनल रैंक आपके उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको लेके जाएगा। इनको यहाँ पे जो ना राशि जो मिलेगी 2100 रूपए फर्स्ट सेकंड 1100 और थर्ड 750। इनके बैंक अकाउंट नंबर लेंगे फिर उसकी करवाएंगे। क्या हर साल होती है मैम? हाँ जी, 2007 से हर साल होती है। मैम क्या कुछ ऐसा मैं जाता अगर बात की जाए ग्रामीण अंचल की या महिला विकास की? औरतों को जो हमारे कहीं भी नहीं जा पाती, उन औरतों को बाहर निकलने का मौका मिलता है, वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके, बाहर पता चले हमारे क्या राइट है क्या रॉन्ग है और अपनी प्रतिभा को दिखाना उनका काम। मैम हाल फिलहाल आज अगर बात की जाए 4 इवेंट हुई है, मटका रेस हुई है, क्या मानते हैं कि आगे नेक्स्ट अगर प्रतियोगिता आती है कुछ और गेम भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे? जैसे डिपार्टमेंट निर्धारित करता है वो तो पूरे स्टेट लेवल का, उसी के अनुसार करते हैं आगे। जैसे कोई और सभी से सजेशन आएंगे तो आगे प्रपोज कर सकते हैं। सफीदों से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।